वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। UPNHM भर्ती 2020 से 21 बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। 2700+ 1400+ आपका एग्ज़ाम 1001% होगा। जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड किस दिन जारी होगा? ऑफिशियली सिलेबस एग्ज़ाम डेट सिलेबस शेड्यूल किस दिन जारी होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी आपने जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। A to Z सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियली प्रूफ के साथ देने वाले हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर, तो हमारे साथ बने रहिए, पूरी जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो जो धांधली हुई है उसकी जाँच हो रही है। वह जो है इंटरव्यू में धांधली हुई है, बट आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 100% जो है आपका एग्ज़ाम होगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। चलिए ऑफिशियली सिलेबस और ऑफिशियली जो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट सारी जानकारी हम आपको ऑफिशियली देने वाले हैं। तो ये है ऑफिशियली वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो है ओपन कर रखी है। नीचे जो है मैं आपको बता दूँ, इसके पहले जो है वैकेंसी निकाली गई थी 150 जूनियर फार्मासिस्ट के लिए, और कई सारी वैकेंसी निकाली गई थी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो ये क्या होता है, पहले स्टेटस जारी किया जाता है। स्टेटस जो है 19 सितंबर 2019 तक यहाँ पे लास्ट डेट थी। स्टेटस जारी करने के बाद ही जो है यहाँ पे आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी, रिटर्न टेस्ट शेड्यूल एंड सिलेबस। इस तरह से जो है आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जब UP SAMS UPNHM या UP या MP NHM जब नोटिफिकेशन जारी करती है, तो सिलेबस के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। अभी जो है आपका स्टेटस जारी हो चुका है। स्टेटस के बाद जो है 10 से 15 के बीच में जो है आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स रिप्लाई दिया जाएगा, जो आपने क्वेरी किया है, ऑब्जेक्शन किया है। 10 से 15 जनवरी, जी हाँ, लिस्ट आ चुका है, मैंने वीडियो बना रखा था, जाके आप लोग वीडियो देख लो। इसके बाद जो है आप लोगों का एक लिस्ट जारी किया जाएगा, रिटर्न टेस्ट शेड्यूल एंड सिलेबस। ये ऑफिशियली जो है UP SAMS UP NHM के द्वारा जारी किया जाएगा। अब इसको देखिए इसमें क्या क्या है, तो मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से जो है आपका जारी किया जाएगा 19 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में यह ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सितंबर 19 सितंबर जो है स्टेटस का लास्ट डेट था, और 6 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हुआ, जिसमें यहाँ पे देखिए लखनऊ में सेंटर था और 2 घंटे का समय है। तो इसी तरह से बिल्कुल सेम तरीके से UP NHM 2700+ 1400+ दोनों का जो है यहाँ पे जारी किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट सेंटर के बारे में और टाइमिंग के बारे में, सिलेबस के बारे में, इस तरह से जो है एक लिस्ट आने वाला है 19 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में। 1001% बिल्कुल ऑफिशियली जारी होने वाला है। अभी आप लोग वेट करिए। इसमें जो है आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी दी जाएगी, ऑफिशियली सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी, टाइमिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है देखिए OMR बेस पे एग्ज़ाम होने वाला था। अगर आपका जो है एग्ज़ाम UP NHM 2700+ और 1400+ का जो है OMR बेस पे होगा, अभी जो है वेट करिए, जैसे ही ऑफिशियली अपडेट आती है मैं वीडियो बना दूंगा, तभी कंफर्म होगा ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम या ऑफलाइन होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो कोई धांधली नहीं होगी, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो 1001% मैं कह रहा हूँ कि धांधली होगी इस एग्ज़ाम में 2700+ में और 1400+ में अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होगा, कोई धांधली नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग अभी वेट करिए। और मैं आपको बता दूं, 15 फरवरी से पहले जो है आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मनीष पाठशाला वीडियो डेली आ रही है, तो जाके आप लोग मनीष पाठशाला देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि 15 फरवरी से पहले जो है 15 फरवरी से पहले आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और 19 से लेकर 20 जनवरी के बीच में जो है ऑफिशियली सिलेबस एग्ज़ाम डेट शिफ्ट वाइज सारी जानकारी जो है बिल्कुल ऑफिशियली यहाँ पे एक नोटिस जारी कर जाएगी UP SAMS UP NHM की तरफ से जो भी है, ठीक है। अभी आप लोग वेट करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आपका 100% एग्ज़ाम होगा, जी हाँ। और भी कोई क्वेरी है, कोई भी जानकारी चाहते हो, नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।